हेलो गाइस, वेलकम टू द टीच मिस्टर महादेव चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ जो कि ओप्पो की तरफ से नया मोबाइल लॉन्च करने का डेट एंड प्राइस स्पेसिफिकेशन सभी कुछ लीक हो चुका है, जो कि होने वाला है ओप्पो A96 मोबाइल, जो कि इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है। और इस वीडियो में उसके सारे स्पेसिफिकेशन, प्राइस, डिटेल सभी कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो में काफी ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाला है इस मोबाइल के बारे में। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और आपको मिलते हैं इंट्रो के बाद और शुरू करते हैं वीडियो। सो भाइयों, इस वीडियो में ओप्पो A96 के फुल स्पेसिफिकेशन बताते हैं आपको, जो कि इसके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका बैक है प्लास्टिक, फ्रेम है प्लास्टिक और फ्रेम में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बैक साइड की बात करें तो टॉप लेफ्ट में डबल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा आपको, नीचे की तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी और फ्रंट साइड टॉप लेफ्ट में पंचोल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और एक गुड लुकिंग फोन होने वाला जो कि सेम ओप्पो हरदम की तरह अच्छे मोबाइल्स निकालते हैं देखने में। और इसके कलर की बात करें तो दो वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ब्लैक एंड ब्लू, जो कि लुकिंग वाइज ये मोबाइल काफ़ी अच्छा देखने के लिए लगता है, डिसेंट लुकिंग वाइज है। और आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ, जो कि 6.59 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला एमुलेड स्क्रीन है, जो कि एमुलेड स्क्रीन है। तो आगे इसके बारे में बात करते हैं, आपको जानते ही होंगे एमुलेड स्क्रीन कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जो कि 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो होने वाला, 393 PPI पिक्सल डेंसिटी आपको देखने के मिल जाएगा, बेजल्स विथ पंचोल डिस्प्ले आपको देखने मिल जाएगा और वाइड वन L1 का सपोर्ट है, HDR10 प्लस का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल ओवर नेटफ्लिक्स आप HD पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 600 nits की ब्राइटनेस है, आपको धूप में भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा 600 nits की। और इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90Hz का रिफ्रेश रेट है और 180Hz का 10 sampling रेट, जो कि इसका रिफ्रेश रेट ठीक ठाक है। इसके प्राइस पर डिपेंड करता है 90Hz कितना इनफ है। तो ऑल ओवर इसका परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा, कलरिंग आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएंगे, एमुलेड है आपको ब्लैक डार्क अच्छे देखने के लिए मिल जाएगा, कंटेंट वॉचिंग आपको मस्त देखने के लिए मिल जाएगा, गेम्स आप ठीक ठाक खेल सकते हो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस पे। आते हैं इसके मेन चिपसेट एंड परफॉर्मेंस पे, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680G चिपसेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 6 nm पे बना है, जो कि हीटिंग का प्रॉब्लम कम देखने के लिए मिलेगा, स्मूथनेस आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी अच्छे फील देगा ये मोबाइल। और इसके CPU की बात करें तो 2.3 GHz पीक क्लॉक स्पीड के साथ आता है, इसी के साथ कारियो 265 का सपोर्ट है। 265 दो चीज से बना होता है, जो कि A73 प्लस A53, जो कि दोनों को मिला के 265 का कोर बनता है, जो कि आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा इस परफॉर्मेंस के साथ। ग्राफिक्स लवर की बात करें तो एडिनो 610 का सपोर्ट है, LPDDR4X का सपोर्ट है, UFS 2.1 का सपोर्ट है। ऑल ओवर इसका परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देखने के लिए मिल जाएगा, हीटिंग का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, लैग्स का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा हल्के, और इसका ऑल ओवर डिसेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका परफॉर्मेंस आपको देखना है, आपको किस में मज़ा आता है, गेमिंग में तो आप गेमिंग लेगा, डिस्प्ले ऑल ओवर तो इसका ठीक है। तो बात करते हैं इसके बैक कैमरा की, जो कि डबल कैमरा सेटअप के साथ आता है, 50 MP प्राइमरी कैमरा, 2 MP डीप सेंसर, जो कि 2 MP का किसी काम के नहीं होते, आप कौन यूज़ करता है ये, जो कि ये 50 MP यूज़ करते हैं हर बार की तरह। और इसके डिजाइन, कैमरा फ्यूचर और सभी कुछ कैमरे के बारे में बात करते हैं, सेटिंग्स के बारे में, जो कि ऑटो फोकस के साथ आने वाला है, LED फ्लैश लाइट के साथ आने वाला है, फेस डिटेक्शन टेस्ट टू फोकस और डिजिटल जूम, इसमें बस इतना ही होने वाला है। और ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको कैमरे में दिखने के लिए मिल जाएगा। और इसके 1080p 30fps पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैक कैमरे से, जो कि अगर आप फोटो अच्छा कैप्चर करना अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा बनाना अच्छा लगता है, अगर आप एडिटर हो तो आपको ये सबसे कैमरे से उसमें डिसेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस कैमरे के लिए आप ना जाए इस मोबाइल के साथ, ऑल ओवर इसके प्राइस पर सभी डिपेंड करता है। तो बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, जो कि 16 MP प्राइमरी कैमरा होने वाला है, फ्रंट से आप 1080p 30fps पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑल ओवर इसका डिस्प्ले आपको एवरेज देखने परफॉर्मेंस कैमरा परफॉर्मेंस आपको एवरेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको डिपेंड करता है आपको इसके कैमरे के लिए लेना है, डिस्प्ले के लिए लेना है या परफॉर्मेंस के लिए लेना है।
तो आते हैं इसके बैटरी की तरफ, जो कि 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 30 वाट का फास्ट चार्ज है, जो कि बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चार्जर बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अब सैमसंग भी गायब कर देता है चार्ज, जो कि इसके चार्जिंग यूएसबी टाइप सी पोर्ट से कर सकते हो। 3.5 mm ऑडियो जैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डबल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिलता है इसमें। इसमें ये बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिल रहा है। और आते हैं इसके सेंसर्स की तरह, जो कि फेस लॉक होने वाला है, और लाइट सेंसर, प्रोक्सीमेटली सेंसर, कंपास, जायरो, सभी सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस मोबाइल के साथ। मेन फिंगरप्रिंट की बात करें तो साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट होने वाला है, जो कि साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट प्रिंट होने वाला है, जो कि एमोलेड में आप स्क्रीन में दोगे तो भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल ओवर इसका फिंगरप्रिंट आपको देखना है, आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट अच्छा लगता है या ऑन स्क्रीन अच्छा लगता है। ऑल ओवर बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की, जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आने वाला है। एक सिम एक मेमोरी यूज कर सकते हो या दो सिम यूज कर सकते हो, आप मेमोरी साइड में निकालना पड़ेगा। और आते हैं इसके वाईफाई सेटिंग्स पे, जो कि वाईफाई आता है, ब्लूटूथ आता है, 5.1 का सपोर्ट है, जीपीएस है, एनएफसी का सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, यूएसबी टाइप सी कनेक्ट कर सकते हो आप यूएसबी केबल के थ्रू। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 11 के साथ आ रहा है, आपको 12 का सपोर्ट नहीं है, लेकिन अपडेट के थ्रू आपको 12 का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन कस्टम यूआई की बात करें ठीक ठाक आपको बहुत से देखने मिल जाएगा। कस्टम यूआई की बात करें तो कलर ओएस 11.1 के साथ आता है, जो कि आपको डिसेंट और अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके ओवरऑल प्राइस, इस पे सभी डिपेंड करता है, किस प्राइस रेंज पे आ रहा है। तो ये आ रहा है एक वेरिएंट के साथ इस से निकल सकता है, जो कि है 8128 बेस वेरिएंट है, और इसका प्राइस हो सकता है 19,999 के साथ, जो कि 20,000 के रेंज में मोबाइल लॉन्च हुआ तो ठीक ठाक है, 18 और 20 के रेंज में हुआ तो ठीक ठाक है, लेकिन ये ओवर प्राइस मोबाइल है। तो 18 या 17 के रेंज में निकला था मोबाइल, आप जा सकते हो लेने के लिए। अगर 20 में 20 प्राइस रेंज में निकला खासकर, तो आप बहुत सारे ब्रांड से उसके साथ जा सकते हो गाइस। तो इस वीडियो में रिकमेंड करूंगा आप 18,000 के रेंज में ये मोबाइल लॉन्च हुआ तो आप ले सकते हो, या 20,000 को रेंज में लोगे तो गाइस बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के साथ आप जा सकते हो, दूसरे ब्रांड्स के साथ ओप्पो का आप छोड़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके खास कर बात करें इसमें चार्जर भी आपको मिलने वाला नहीं है, जो कि 25 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है, और इसमें डिसेंट परफॉर्मेंस कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देखने के लिए मिल जाएगा, गेम्स आप नॉर्मली खेल सकते हो। ऑल ओवर इसका डिसेंट एंड एवरेज परफॉर्मेंस होगा, तो आपको देखना है ये मोबाइल कितना अच्छा है या नहीं। तो मैं रिकमेंड जो किया हो 17 के रेंज में आप ले सकते हो, 20 के रेंज में आप दूसरे ब्रांड के साथ जा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, हालांकि मुझे लगता है यहाँ तक बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन कोई नहीं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।